सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस 360 व्यू वीडियो। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ कोटा, जो कि है कैरियर पॉइंट गुरुकुल। तो काफ़ी अच्छा ये यानी कि एक तरह से व्लॉग वीडियो जो समझ लीजिए वो होने वाला है। तो इसमें पूरा आपको जो स्कूल है कैरियर पॉइंट गुरुकुल जो है उसका आपको हम टूर वगैरह कराने वाले हैं, और सारी चीज़ें आपको एंट्री पॉइंट से लेकर और क्लासरूम तक सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है स्कूल में वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। तो अभी मैं हूँ प्रमोद सर के साथ। थैंक्स अ लॉट सर ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर सर। कैरियर पॉइंट गुरुकुल स्कूल बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल वन ऑफ द इन कोटा और कोचिंग भी सर, ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे क्या रीज़न था सर, ये जो आप इस नए कॉन्सेप्ट के साथ आए कोटा में? एक्चुअली कोटा में आपको आया है पता कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से आते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं और कोचिंग भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कोऑर्डिनेशन करना, और कभी कभी स्कूल कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो कभी कोचिंग कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो पर्पस ऑफ कमिंग टू कोटा बिकम वेरी वेरी यू नो क्रिटिकल इन अ सेंस कि उसको सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। साथ में सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, बच्चों को कौन ध्यान रख रहा है कौन नहीं रख रहा है। प्राइवेट हॉस्टल्स में और कोचिंग में जाते हैं तो आप हॉस्टल से निकलते हैं तो यू आर ऑन द रोड, तो सेफ्टी इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं, थोड़ा और भी कंसर्न्स जो पेरेंट्स के रहते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना बच्चों को एक ऐसा कैंपस दिया जाए जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पर बहुत अच्छी स्कूलिंग हो, जहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पर पर्सनल केयर करा जा सके। तो इस आइडिया को लेकर फिर हमने कैरियर गुरुकुल बनाया, जो एक तरह का रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें रेजिडेंशियल स्कूल की जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब कुछ हैं, चाहे वो उसके स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो उसके लिविंग से रिलेटेड है, उसकी स्पोर्ट फैसिलिटी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा करिकुलर से है। परंतु उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई करियर प्लानिंग क्या है बच्चे की, जाते वक्त यहाँ से निकलते वक्त उसका करियर क्या बनता है, तो उसकी पूरी कोचिंग की फैसिलिटी भी वहाँ पर है। कैरियर पॉइंट से IIT मेडिकल कॉमर्स के बच्चों के लिए क्लेट CA CPT, जो स्टैंड इंडिया से बाहर जाना चाहता है उनके लिए IELTS का SAT की प्रिपरेशन, ये सब कुछ वहाँ पर है। यानी एक अपने आप में पूरा कैंपस है जहाँ पर हर तरह के बच्चे के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है जो स्कूल लिविंग एक्स्ट्रा करिकुलर पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ करियर की पूरी प्लानिंग करती है, और ये सोचकर हमने कैरियर पॉइंट गुरुकुल को बनाया। सर आज कैरियर पॉइंट गुरुकुल में पूरे देश भर से बच्चों के लिए सर क्या फैसिलिटी, जो अदर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं जैसे कि उनके लिए रेजिडेंशियल और अलग से उनके लिए फैकल्टीज वगैरह है नहीं है, उसके ऊपर सर कुछ बात? अगर आप कैरियर पॉइंट गुरुकुल में जाएंगे तो आपको अपना आप में एक पूरी टाउनशिप है, ये करीब 20 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है जहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग है पूरी, स्कूल के बेस्ट फैकल्टी मेम्बर्स वहाँ पर होते हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को हम यहाँ पर रखते हैं, और उन बच्चों को हम सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं स्कूल एजुकेशन के हिसाब से। हम स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप अपने लिए करियर चॉइस कर लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग जाना है, मेडिकल जाना है, इंडिया के बाहर पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, एक वो चॉइस आप ले लीजिए। तो उसके हिसाब से उनको हम बेस्ट फैकल्टी मेंबर जो कोचिंग के होते हैं उनसे वहाँ पे उनको कोचिंग कराते हैं। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, स्क्वैश ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर बैडमिंटन हॉल है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, मतलब ऑल स्पोर्ट्स आउटडोर इनडोर सारी फैसिलिटीज़ है ताकि स्टूडेंट फिजिकली एक्टिव रहे। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है, सेपरेट हॉस्टल है, सारा का सारा कैंपस एयर कंडीशनड है, फूड कोर्ट है, मेस कोर्ट है, वहाँ पर इवन एक छोटा सा आप बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर है जो बच्चों की रोज़ाना की चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं, और 100% सिक्योर है। स्टूडेंट को कैंपस में से बाहर जाने के लिए पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, और वो बाहर जा नहीं सकता जब तक कि उसको कोई स्पेशल परमिशन न दी जाए, उनको स्पेसिफिकली आउटिंग कराई जाती है। तो पूरा सेफ एनवायरनमेंट है, एक क्लोज बहुत बड़ा कैंपस है 20 एकड़ का जो सब कुछ है। तो बाहर से जो बच्चा आता है उसके पेरेंट्स एश्योर रह सकते हैं कि हमारा बच्चा एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में बेस्ट एजुकेशन ले रहा है, और दैट एजुकेशन इज़ नॉट ओनली कोचिंग बट स्कूल ऑल्सो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चा कोचिंग करता है 100% बच्चे तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, परंतु एक अच्छी स्कूलिंग जो होती है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है ताकि आप दुनिया में कोई सा भी करियर चूज़ करें बाद में उसमें आप सक्सेसफुल हो, तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। मैंने कोचिंग में लगभग 30 साल निकाले हैं और मैंने देखा है कि जो बच्चे कोचिंग में अच्छा नहीं कर पाते उनको बड़ी परेशानी हो जाती है, मतलब उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो कोचिंग नहीं तो क्या, मतलब IIT नहीं है, मेडिकल नहीं तो क्या,
अल्टरनेटिव करियर नहीं मिलता। बाकी ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सारे लोग जो आईटीएन हैं या डॉक्टर हैं और वही सक्सेसफुल हैं, तो उन बच्चों को भी ध्यान रखकर हम कैंपस में प्रिपरेशन कराते हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बच्चा आईटी में नहीं जा पाएगा या मेडिकल में नहीं जा पाएगा, तो हम उसकी काउंसलिंग करके और उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल करियर होता है उसके लिए उसकी प्रिपरेशन करा देते हैं। राइट सर। तो और चलिए आपको स्कूल दिखाते हैं अंदर से, और क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह स्कूल में, वो सबका टूर कराते हैं आज आपको। तो हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और कैंपस काफ़ी बड़ा है स्कूल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोद सर हैं और टूर कराते हैं आपको, पूरा दिखाते हैं अंदर से स्कूल वगैरह, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है स्कूल में वो भी आपको दिखाते हैं टाइम टू टाइम। सर स्कूल का कैंपस तो काफ़ी बड़ा लगा मुझे, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैं कभी आया नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरा भी इम्प्रेशन है, वो भी आपके साथ आया हूँ। इतना बड़ा कैंपस है, तो सर इतना बड़ा कैंपस क्या सर आप सोचते हैं यार कि आपके पास कोचिंग फिर से स्कूल, इतना सालों पर आपके पास एक एक्सपीरियंस है एजुकेशन के फील्ड में, और क्या सर आप नया लाने वाले हैं? देखिए पहले तो मैं कैंपस के बारे में आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट आता है ये बहुत पीसफुल जगह है, मतलब ये सिटी सेंटर से हार्डली 2 किलोमीटर है, परंतु ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कोटा की, बहुत ग्रीन है, बहुत पीसफुल है, बिल्कुल ट्रैफिक की साइड पर मतलब बिल्कुल नहीं है, आप में वहाँ की चल सकते, शांति है यहाँ पर और बहुत एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा है यहाँ का, हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो हमने ये सोचकर ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पे कैंपस बनाया जाए। बड़ा कैंपस इसलिए है कि बच्चों को कैंपस की बाउंड्री में रहना है, तो उनको ऐसा ना लगे कि उनको कहीं पैक कर दिया है, कैंपस इतना बड़ा होना चाहिए कि उनको लगे कि दे कैन मूव अराउंड, ट्रेवल अराउंड, अच्छा लगे, तो इसलिए कैंपस बड़ा है, क्योंकि अदरवाइज पर्पस किल हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट वो किल हो जाता है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि नया क्या है, तो गुरुकुल में हमारा जो गोल है, जैसे शुरू में हम पहले इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन पे ही फोकस करते थे क्योंकि कोटा में मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं, तो वो हर एक बच्चा एक्सपेक्ट करता था कि स्कूल के साथ साथ हमें इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रिपरेशन कराई जाए। पर मुझे कुछ सालों में लगा कि एक माइंडसेट में एक डेवलपमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कि आज इंजीनियरिंग मेडिकल का बच्चा अपने लिए एक अल्टरनेटिव करियर ढूंढ रहा है कि अगर मैं आईटी में नहीं जा पाया, मेडिकल में नहीं जा पाया, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, और साथ में ऑप्शन भी बहुत बिल्ड हुए हैं। आज आप आईएम्स में जाकर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, लो एंट्रेंस देकर नेशनल लो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ना जरूरी है, आप साइंस के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो हमने उनकी प्रिपरेशन के लिए हम नया लेकर आए, लास्ट ईयर से हमारे स्टूडेंट आउटसाइड इंडिया भी जाकर पढ़ने लगे हैं, यूएस जाने लगे हैं, तो हमने उसका भी एक सिस्टम बिल्ड कराया कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं लीडिंग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया जाके पढ़ूँ, तो उसकी प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं। तो ये नया हम कर रहे हैं, और इस बार एक फोकस हमने बिल्ड करा है कि संडे जो कि एक तरह का हॉलीडे होता है, नाउ इट्स गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ फन डे फॉर द स्टूडेंट, जिसमें लॉट ऑफ लर्निंग विल हैपन बियॉन्ड क्लासरूम। तो वो इस साल के करिकुलम में हमने नया एडिशन करा है कि संडेज को एक 2-3 घंटे का पावर पैक सेशन हो, जिसमें एक्सपर्ट्स आएँ और एक्सपर्ट्स वहाँ पर आकर बच्चों को गाइडेंस दें, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, और एक जो उसको बोलते हैं ना ट्रू पर्सनैलिटी निकल कर आए स्टूडेंट्स की, उसको एक्सप्लोर करें, ताकि मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हर इंडिविजुअल सक्सेस डिजर्व करता है, कुछ बच्चों को मिल पाती है और कुछ बच्चों को नहीं मिल पाती है अभी सिस्टम में, क्योंकि शायद वो सब बच्चे एक ही काम कर रहे होते हैं, कोई उनके टैलेंट को एक्सप्लोर ही नहीं करता है। जैसे आपका टैलेंट मान लीजिए यूट्यूब पर है, आपने एक्सप्लोर करा, पर तो हो सकता बहुत सारे लोगों को तो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो सबको कर रहे होते हैं वही करने लग जाते हैं, ऑफ बीट ट्रैक पे कोई जाना पसंद करता नहीं है, जाना पसंद क्या नहीं करता, डरता है जाने में, घबराहट होती है ऑफ बीट कैरियर्स पे जाने में लोगों को। तो
उसको मौका दिया जाए एक्सप्लोर करने का, अगर उसका नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बट मन में न रहे तो वो इस बार हम कोशिश करें कि करिकुलम में उसको बिल्ड करा जाए, ताकि स्टूडेंट अपनी इनहेरेंट जो उनको गिफ्टेड टैलेंट है उसको एक्सप्लोर कर सके, और उनको लगता है कि उस पर एक मीनिंगफुल करियर बनाया जा सकता है तो फिर हम उनको उसके अकॉर्डिंगली असिस्ट करें, गाइड करें। तो ये हम नया लेकर आते हैं, एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट, बिकॉज जो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हैं अगर वो आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने में एक्सपर्टीज है और आपको मज़ा आता है तो आप मिट्टी के बर्तन बना के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु आपको मज़ा आना चाहिए। मतलब लोग सोचते हैं कि मुझे सक्सेस मिलनी है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, इसलिए मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आप नहीं कर सकते। आपको अगर डॉक्टर बनकर काम करने में मज़ा आता है तो बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, सब अपने आप आ जाएगा, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन है, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सब मिल जाएगा। तो कोशिश हमारी है कि बच्चों को कम से कम 11-12 लेवल पर ये प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आप एक्सप्लोर तो करो कि आपके पास टैलेंट क्या क्या है। हाँ ठीक है, लाइफ तो बहुत बड़ी है, करियर तो हो सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके आप बना पाएंगे, बट एक्सप्लोर करके डायरेक्शन तो दे सकते हैं। सर तो आप एक ग्लिम्प्स दिखाते हैं लोग। चलिए इसको, तो ये हम लोग आ चुके हैं म्यूजिक क्लासरूम में। तो ये एक तरह से म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक क्लासरूम है सर। क्लासरूम तो म्यूजिक का एकदम ऑशम है, लग रहा है यूएस का किसी स्कूल में आ गए। सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब परफेक्ट, माइकल जैक्सन का फोटो के साथ लगा हुआ है। म्यूजिक क्लासरूम क्लासिकल। तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रूम है दोस्तों, आप देख लीजिए 360 करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे इसे रोटेट करके जिधर चाहे उधर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, पूरा 360 आपको सब चीज़ दिख जाएगी, एक एक चीज़ है आपको। और ये डांस रूम है, यहाँ पे सामने में आप देख सकते हैं दोनों साइड में मिरर लगाए गए हैं। ये इसलिए है ताकि बच्चे जो हैं वो डांस करते हुए अपने आप को देख, यानी कि अपना जो स्टेप है वो देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे मिस्टेक ना करें और वो सीख सकें, जो टीचर हैं जो डांस करने में स्टेप्स सिखाएंगे वो सारा स्टेप्स। सर ये डिजिटल क्लासरूम कंसेप्ट क्या है सर, इसमें क्या एक्चुअली फीचर है? एक्चुअली जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त वैसे तो फैकल्टी मेंबर एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाता है, परंतु कभी विजुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, कभी एनिमेशन की जरूरत पड़ती है ताकि स्टूडेंट की ग्रास्पिंग और अच्छी हो जाए। तो उस पर्पज़ से हर क्लासरूम को एक डिजिटल क्लासरूम भी फैसिलिटी दी हुई है, ताकि डिजिटली फैकल्टी मेंबर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली एनिमेशन या जो विजुलाइजेशन से रिलेटेड हैं उनको क्लास में यूज़ कर सके और जो लर्निंग उसको बेटर बना सके और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो हम लोग एंटर कर गए लैंग्वेज रूम में। ये लैंग्वेज रूम है और ये भी रूम ऐसा लग रहा है यूएस का किसी स्कूल का रूम है, सारा बेंचेस वगैरह देख के। तो काफ़ी यूनिक फैसिलिटीज़ है इस स्कूल में। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन केमिस्ट्री लैब। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री लैब है, और 360 आप पूरा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लैब केमिस्ट्री लैब आप 360 व्यू में देखिए पहली बार इस स्कूल का, और सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के लिए सब यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं सब यहाँ पे रखा हुआ है। और टीचर जो है वो यहाँ पे बोर्ड पे जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह रहता है वो लिख के यहाँ पे बता देते हैं, और बच्चे जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सब खड़े होकर, जैसे स्कूलों में हम अपने परफॉर्म किया करते थे, सेम यहाँ का भी वही कंसेप्ट है। तो ये ग्राउंड है, आप 360 व्यू देख सकते हैं ग्राउंड से लेकर टॉप फ्लोर तक का यहाँ पे स्कूल में, और सामने में ही स्टेज वगैरह है। तो अभी तो कोविड के चलते एक तरह से असेंबली वगैरह नहीं होता है, वरना असेंबली वगैरह यहीं पे करवाया जाता है बच्चों का, और सामने में स्टेज वगैरह है, वहाँ पे जो भी टीचर वगैरह वो रहते हैं। और ऐसे भी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होती है जैसे कि कभी कोई फंक्शन वगैरह तो यहाँ पे हो जाता है, सामने स्टेज वगैरह है और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी वगैरह हो जाती है, बच्चे वगैरह इंजॉय कर लेते हैं उस समय को। तो ये बायोलॉजी लैब है, और बायोलॉजी लैब आप 360 व्यू में देख सकते हैं। यहाँ पे स्केलेटन है, ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह के हिसाब से स्केलेटन वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो भी सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है एक्टिविटीज़ के लिए वो यहाँ पे रखा हुआ है। 360 बस रोटेट करते रहो, देखते रहो, आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिख जाएंगी। सामने में बोर्ड वगैरह है,
और टीचर जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह एम जो है एक्सपेरिमेंट का वो लिख देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, और बच्चे जो है वो एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो आइए आपको बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह दिखाते हैं। तो धूप तेज़ है बट ठीक है, नेचर के बीच में स्कूल, और स्कूल में हम बना रहे वीडियो, मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में कि बास्केटबॉल कोर्ट है, थ्री सिक्सटी वीडियो पहली बार बना रहे हैं यार, 360 वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। पता नहीं आउटपुट कैसा आएगा बट आई थिंक इट विल बी गुड, आउटपुट सही होगा इसका। सामने में देख सकते हैं कि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है स्कूल का, और खेलने के हिसाब से बहुत सही है। फुटबॉल ग्राउंड भी उधर है, फुटबॉल कोर्ट वगैरह है उधर में। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बास्केटबॉल, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बैडमिंटन कोर्ट है, और यार कितना बड़ा है, आप ये देख रहे हो कितना 360 आप व्यू देखो इसका सिर्फ, कि कितना बड़ा कोर्ट है ये, यानी कि बैडमिंटन कोर्ट जो है, और काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नेशनल लेवल का स्पोर्ट वगैरह खेला जा सकता है, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, अभी पानी तो कम है बट ये स्विमिंग पूल है। तो ये स्क्वैश कोर्ट है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी स्पेसियस है भाई। यार ये जो भी चीज़ें बनाई गई है काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, स्पेसियस है, और बच्चे एंजॉय करते होंगे काफ़ी। सो आई एम विद अ स्टूडेंट, सो विच क्लास आर यू? आई एम इन 11th PC। सो आई हर्ड दैट योर पेरेंट्स आर फ्रॉम मलेशिया, राइट? यस, दे आर फ्रॉम मलेशिया। सो यू आर स्टेइंग इन कोटा इन दिस स्कूल, सो हाउ इज दिस स्कूल, व्हाई यू चोज दिस स्कूल? एक्चुअली द मेन पर्पस इज आई केम टू इंडिया, सो द एजुकेशन इज एक्चुअली अ बिट बेटर देन मलेशिया। नॉट ओनली दैट, I came here due to the availability of integrated coaching. That's the best part in come to India. The reason why I came to Kota is the availability of integrated coaching, and that is the best service they give here in Kota. That's what I expect. During pandemic time, how education, how was the education content over here? Actually, the whole point of having a pandemic and integrated coaching was the best combination. Even in a pandemic, because there's integrated coaching, we have such wonderful facilities and we're able to cope with our syllabus, even though it's a pandemic. It's all thanks to the integrated coaching. Tell me one unique point that you like about Kota. Kota. Well, it is the coaching center of India, right? It's so very famous. Yeah, very famous. And it's the only place where you get wonderful integrated coaching here. That's why. That's the only reason. तो ये स्टोर है, बच्चे कुछ सामान वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं जिससे उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे चिप्स वगैरह रखा हुआ है, लेज कुरकुरे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि पता चले कि टूडी में चल रहा है। ये बॉयज़ हॉस्टल का मेस डाइनिंग एरिया है, बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, खाना उन्हें यहाँ पर सर्व किया जाता है, एक तरह से बूफे सिस्टम वगैरह है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ हूँ जो यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रहे हैं इस स्कूल में, तो जानेंगे कि यहाँ पे रहना और पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है स्कूल में? बहुत अच्छे से चल रही है, अभी तो सिलेबस वगैरह भी कवर हो गया है, हमारा प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे ये जो हॉस्टल है या जो स्कूल का कैंपस है वो कितना सेफ एंड सिक्योर है गर्ल्स के लिए? कैंपस तो बहुत सिक्योर है, मतलब हम गर्ल्स यहाँ रहते हैं, पेरेंट्स भी बहुत
सिक्योर्ड है बिकॉज बॉयज अलग रहते हैं. आप कौन से स्टेट से हैं? वेस्ट बंगाल. तो मैं चाहूँगा जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बंगाली स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जरा बंगाली में बताएं कि ये कितना सिक्योर कैंपस है. এটা খুব সিকিউর ক্যাম্পাস, এখানে কোনো অসুবিধা নেই, একদম মানে ঘোরা খেলা সব কিছু অ্যালাউড. এখানে যেমন পড়াশোনাও হয় তেমন সব কিছুই হয়, অ্যান্ড লাইফটা যেমন পড়াশোনার সাথে চলে তেমন খেলাধুলো সব কিছু অ্যালাউড. জানো এখানে মানে লাইফ ইজ গুড. আর ইয়াহা পে খানে পিনে সে রিলেটেড কোই সমস্যা? এসে খানে পিনে মে তো কোই প্রবলেম নেই হ্যায়, খানা আচ্ছা মিলতা হ্যায়, হেলদি মিলতা হ্যায়, রিফ্রেশমেন্ট মিলতা হ্যায় হর টাইম, বহুত আচ্ছা. अच्छा भाई, जो कि ये कैंपस सिटी से थोड़ा दूर है, कोटा सिटी से, तो बोर तो नहीं होता ना आप लोग यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बहुत मस्ती होती है. इधर डांस रूम है, म्यूज़िक रूम है, फिर और भी को करिकुलर एक्टिविटीज सभी चलते हैं. सर ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम करके रखा है तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते. प्लस स्टडीज़ तो है ही, उसके साथ साथ सब कुछ ही होता है. ओके, क्या और क्या ऐसा यूनिक फीचर है आपको इस स्कूल में? इस स्कूल को आपने क्यों चूज किया? ज़्यादातर कैंपस सिक्योर है और बहुत ग्रीनरी है, रिफ्रेश रहते हैं, यहाँ पास फ्रेश रहते हैं, एयर अच्छी है और यानी ग्रीनरी है. तो ये हम लोग आ गए हैं जिम में, ये है जिम एरिया वगैरह, जिम का सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखा हुआ है स्कूल में. तो एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं जिम में. तो दोस्तों ये रहा स्कूल का कैंपस टूर पूरा, होप कि आपको अच्छा लगा होगा. मैंने इस स्कूल का जो भी और भी सोशल मीडिया लिंक्स है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे एडमिशन से रिगार्डिंग, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनको चाहिए होता है स्कूलों वगैरह के बारे में जानकारी, तो वो पा सकते हैं यहाँ पे. कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, नंबर और सारा सोशल लिंक्स वगैरह रखा हुआ है. होप कि आपको ये स्कूल पसंद आया होगा. और भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा स्कूल वगैरह से रिलेटेड वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो सर स्कूल का मैंने हर एक चीज़ दिखाया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली स्कूल का जो कैंपस है. एंड मैं चाहूँगा कि आप और ऐसा कैंपस लेके आए एजुकेशन फील्ड में, और ऐसा स्कूल वगैरह लेके आए इंडिया में. और तो जो भी लोग आना चाहते हैं मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और सारा सोशल मीडिया लिंक दे दिया है, वो जानकारी ले सकते हैं. अगर जरूर. बहुत सारे पेरेंट्स हैं सर जो स्कूल के बारे में जानकारी के लिए बोलते हैं मुझे, तो वो मैंने सब रख दिया है. तो थैंक्स अलॉट सर कि आपने हमें परमिशन दिया सारे चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए. तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही. कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक्स सर.